बोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ जाए नादान। जितनी गहराई अंदर है उतनी ही बाहर तूफान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक विश्वकर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, ये स्पेशल पीपल फैशन शो ये सिर्फ फैशन शो ही नहीं, ये आपकी आवाज़ है जिसके द्वारा आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और लोगों के सामने। जी हाँ, उन सभी लोगों के सामने जो दिव्यांगों को कम समझते हैं। एज ए सॉर्ट हेल्प पर्सन एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आई वुड लाइक टू सेव यूअर्स, बट यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज इन योर लाइफ। इस दुनिया में दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सभी चीज कर सकते हैं जो आम कद काठी का इंसान कर सकता है। कोशिश करने से तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ पॉसिबल है, सब चीज़ पॉसिबल है। देखिए, मेरा कहने का मतलब इतना ही है, सिंपल शब्दों में इतना कहूँगा कि जो शरीर से दिव्यांग होता है वो विचारों से दिव्यांग नहीं होता, ठीक है? और जो भी मुश्किल कार्य होता है कोशिश करने से तो वो हासिल हो ही जाता है। किसी महान पुरुष ने बहुत ही सही बात कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन अगर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, योर टैलेंट इस योर पावर, ये आपकी पहचान है, आपका हुनर। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे सभी दिव्यांग भाइयों और साथियों से कि इंसान की शक्ति उसकी आत्मा होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। तो ये बात आप हमेशा याद रखें जीवन में, और कोशिश हमेशा करते रहें। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।